आदर प्रणाम, मैं हूं आपका नवीन और आपका स्वागत करता हूं गांव बसर के इस कार्यक्रम में। गांव बसर, जहां पर हम बातें करेंगे गांव की कुछ यादों की, कुछ परंपराओं की, खेलकूदों की और खान पानों की। बहुत सिंपल है, मैं आपको एक पहेली पढ़कर सुनाऊंगा। सुनते सुनते जहां भी आपको लगे कि आपको इसका उत्तर मिल गया है, पॉज बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर लिख दीजिए, अंत तक जाइए, उत्तर मिलाइए। और पहेली आपको अच्छी लगे तो अपने मित्रों स्वजनों के साथ साझा करें। एक विशेष आग्रह रहेगा कि इस पहेली को बच्चों के साथ देखें ताकि वो अपनी पुरानी यादों को जान सकें और आपसे पूछ सकें। दो पहरों के मिलन की गोधूली बेला, उहाई लेता हुआ रात्रि को पहरे के लिए आमंत्रित करता हुआ, धरती के दूसरे कोने को चमकाने जाता हुआ सूरज, मिट्टी के तेल से आकंठ पूरित कांच की सीसी, उस कांच की सीसी के गर्भ में सूती के कपड़े से बनी टिन के ढक्कन के बीचों बीच छेद से गर्दन उठाए आशा की किरणों को झांकती हुई बाती, यह बाती जब किसान माचिस की जलती हुई तीली से मिलती है तो वह तम को चीरने के लिए तैयार हो उठती है। आशा है अभी तक आपने इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा और इसका उत्तर है डिबरी। कहते हैं हर चीज का एक दौर होता है, वो दौर था डिबरी का। उस समय भारत के बहुत सारे गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, लैंप और लालटेन स्टेटस सिंबल हुआ करते थे। बारिश में छाते कुछ घरों में ही नसीब होते थे, वो डिबरी का जमाना था। डिबरी जो भारत के संघर्ष की दास्तान है, वो दौर था जब सदियों से दबाया गया भारत अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत जुटा रहा था। यह वह दौर था जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचते बेचते अग्नि की उड़ान की कथा के सपने देखते थे। जी हाँ, डिबरी हमेशा से ही आशा का प्रतीक, संघर्ष का प्रतीक, कभी न हार मानने का प्रतीक रही है। तो आशा है यह डिबरी आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।